अभियान का शुभारंभ किया गया। पंचायत समिति प्रांगण से प्रारंभ अभियान का शुभारंभ एसडीएम सुनीता यादव ने किया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि महामारी से बचाव के लिए मास्क व डिस्टेंस जरूरी है। कार्यक्रम में पोस्टर का प्रदर्शन कर लोगों को महामारी से बचाव हेतु जागरूक किया गया। कार्यक्रम के पश्चात प्रशासन ने मुख्य बाजार में भी जाकर दुकानदारों व लोगों को मास्क पहनने एवं संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। इस दौरान अवहेलना करने वाले दुकानदारों एवं बाइक चालकों का चालान भी काटा गया। इस मौके पर तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, बीसीएमओ बाबूलाल गोठवाल, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र यादव, श्रीचंद आहूजा, जगदीश सैनी आदि लोग मौजूद रहे। चलो सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सेफ्टी जोन में रहेगा। तो इस मैसेज को आप लोग जितना मैक्सिमम स्प्रेड कर सकते हैं, इससे बेहतर कड़ी आप लोगों से हम लोगों को लगा नहीं, इसलिए खुद भी जागरूक रहिए, अपने आसपास भी लोगों को जागरूकता अपनी तरफ से बढ़ाइए। जितना स्वस्थ रहेंगे राजस्थान सतर्क रहेगा और इस कोरोना की महामारी जो हम लोग बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बेहतरीन तरीका बचाव ही है। व्यापार मंडल के गणमान्य प्रतिनिधि, साथी अधिकारीगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि कोरोना महामारी के दौरान जो निरंतर राज्य सरकार के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी कड़ी में राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 21 जून से लेकर 30 जून तक कोरोना महामारी के संदर्भ में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि लोगों को कोरोना महामारी के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में अवगत कराना और उसके साथ उस महामारी से बचाव कैसे किया जाए इस बारे में समझाना है। काफ़ी विस्तृत तौर पे ये कार्यक्रम चलेगा, प्रत्येक दिन अलग अलग एक्टिविटीज होंगी जिसके बारे में आपको अवगत भी करा दिया जाएगा। हमारे राजस्थान में पहला जो केस आया था 21 मार्च को आया था, उसके बाद में और उसके बाद में जब से अनलॉक शुरू हुआ है उसके बाद से काफ़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ी काफ़ी मात्रा, जो ये दर्शाता है कि कोरोना महामारी से कैसे बचाव किया जाए इस बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। हम सब जानते हैं, बार बार अपन लोग मिलते भी रहते हैं और एक सदैव सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की बात भी हम करते हैं। व्यापारी जो इस श्रेणी में है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि उनके पास विभिन्न प्रकार से अलग अलग जगहों से लोग भी आते हैं। उन लोगों को खुद तो अपने को सुरक्षित रहना ही रहना है, उसके साथ साथ ही उन लोगों को भी हमें जागरूक करना है। सरकार द्वारा बार बार निर्देश भी दिए गए हैं, उसमें पेनल्टीज का भी प्रावधान रखा गया है, लेकिन पेनल्टीज के बजाय हमें जागरूकता इस संदर्भ में लेके आना है। बार बार अभियान भी प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। अभी 30 तारीख